बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। यह घटना तो आप कई बार सुने होंगे, लेकिन आइए हम इस घटना को और करीब से जानते हैं, ये होता कैसे है और क्या है। बादल फटना, यह घटना जो है यह सिक्किम का परिदृश्य नहीं है, मैं कहीं और का आपको बता रहा हूँ सामान्य ज्ञान के मद्देनज़र, जो मुझे कहीं से जानकारी मिली है उसके आधार पर। बादल फटना कम समय में अत्यधिक मात्रा में वर्षा है, कभी कभी ओलावृष्टि और गरज के साथ होती है, जो बाढ़ की स्थिति पैदा करने में सक्षम होती है। बादल फटने से बड़ी मात्रा में पानी तेजी से बह सकता है, जैसे कि 25 mm वर्षा 25,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है। एक इंच एक वर्ग मील में 72,300 छोटे टन के बराबर होती है। हालांकि बादल फटना दुर्लभ है, क्योंकि वे केवल भौगोलिक लिफ्ट के माध्यम से होती है। यह कभी कभी जब गर्म हवा का पार्सल ठंडी हवा के साथ मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक संघर्ष होता है। कभी कभी अधिक ऊंचाई से बड़ी मात्रा में होने वाले अपरवाह गलती से बादल फटने से जोड़ दिया जाता है। बादल फटना शब्द इस धारणा से उत्पन्न हुआ है। बादल पानी के गुब्बारे के समान होते हैं और फट सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से वर्षा होती है। हालांकि यह विचार तब से अस्वीकृत हो चुका है, फिर भी यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो यह परिदृश्य मैं आपको बताया बादल फटने को लेकर के। जुड़े रहे हमारे साथ, आपको पुनः इस तरह के सामान्य ज्ञान की परिचर्चा फिर आपके साथ किसी न किसी मुद्दे पर लेकर के आएंगे। और साथ में मैं अपने पूरे टीम, ग्लोबली न्यूज के पूरे टीम की ओर से आप सबों से नर्म निवेदन करेंगे, यह जो जोन है सिक्किम और सिलीगुड़ी जोन, यह जोन अभी खतरे के निशान के ऊपर की स्थितियां हैं। रेड अलर्ट जारी की गई है प्रशासन के माध्यम से, जलवायु मौसम विभाग के माध्यम से। ऐसे में आप अपने हितैषी प्रियजनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सतर्क रहें, सावधान रहें। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।